गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास, क्लास 8, फोकस ऑन साइंस। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सम ऑफ द टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेटा, सभी सेल का शेप एक जैसा नहीं होता, उनका साइज और शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही सेल्स पढ़ेंगे जिनके साइज़ के बारे में आपको पता चलेगा कि उनका साइज़ डिफरेंट है। सेल का जो बेसिक कंपोजिशन होता है कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है सेल का। बेसिक स्ट्रक्चर सभी सेल का सेम होता है, लेकिन उनके शेप की बात करें और हम साइज़ की बात करें तो वो डिफरेंट होता है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है साइज ऑफ सेल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, लार्जेस्ट सेल जो बताया वो था ऑस्ट्रिच एग एंड द स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। ठीक, स्मॉलेस्ट सेल मे बी एज स्मॉल एज 0.1 to 0.15 माइक्रोन। माइक्रोन एक मेजरिंग यूनिट होती है जो बहुत ही छोटी से छोटी चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। तो छोटा जो सेल हो सकता है वो इतनी रेंज के बीच में आता है, और जो लॉन्गेस्ट सेल होगा वो आता है कम से कम 1 मीटर लॉन्ग, मतलब इतने अराउंड में लॉन्गेस्ट सेल है। तो देखिए, आप साइज़ देखिए, एक छोटा सेल उसका साइज़ इतना है और एक लॉन्ग सेल है उसका साइज़ इतना है। ठीक है, अगर हम एवरेज साइज ऑफ डिफरेंट सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, कुछ सेल्स हैं जिनकी बात की गई है उनके साइज़ के बारे में कि वो कितने बड़े हैं। बैक्टीरिया जो कि यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया का साइज़ देखो लेस देन 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर से भी कम बैक्टीरिया का साइज़ है। एनिमल सेल की बात करें तो 1000 से 2000 क्यूबिक माइक्रोमीटर, इतना इसका साइज है। ठीक है, देखिए कितना ज़्यादा है। RBCs की बात करें, रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, उनका साइज है 9 मिलीमीटर, छोटा साइज है। ऑस्ट्रिच एग की बात करें तो 130 से 160 मिलीमीटर इनका साइज है। तो अगर आप साइज की बात करें तो साइज, जितने भी आपने सेल्स पढ़े, इन सेल्स का साइज़ डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो ये प्रूव होता है कि सभी सेल्स का साइज़ सेम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशन विथ साइज ऑफ एन एनिमल और प्लांट बॉडी, बट बिगर ऑर्गेनिज्म हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल देन अ स्मॉल वन। साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। बिल्कुल सही बात है बेटा, एनिमल का साइज़ कितना बड़ा है इससे सेल के साइज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनिमल का साइज़ चाहे कितना भी बड़ा हो, जैसे बहुत बड़ा हाथी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाथी का सेल भी बहुत बड़े साइज़ का होगा, बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े साइज़ के एनिमल्स होते हैं, लेकिन सेल एक नॉर्मल साइज़ का ही होगा। ठीक है, या फिर प्लांट छोटा है तो बहुत छोटे छोटे सेल होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब एनिमल के साइज़ पर सेल के साइज़ का कोई रिलेशन नहीं है। बस क्या डिपेंड होता है कि सेल का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे। जैसे शेप होगा या जैसा साइज़ होगा सेल का, वो उसी तरह का काम करेगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हम थोड़ा सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सेल दो तरह के होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, डायग्राम ऑलरेडी आपकी बुक में गिवन है, आप लोगों ने एक बार इसे गो थ्रू कर लिया होगा। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स, राइट। डाइजेस्टिव ऑर्गन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एक साथ मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, अब हम बात करें,
हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन्स मिल के सिस्टम बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया आपकी बुक में डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ आता है, ईसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। लेकिन ये सारे के सारे ऑर्गन्स अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। जैसे क्या क्या काम करते हैं, डाइजेशन करना, खाने का डाइजेशन होना मतलब उसका टूटना, एसिमिलेशन होना यानी कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचना, और एब्जॉर्प्शन होना, उन पार्ट्स में पहुंचने के बाद उनका एब्जॉर्प्शन होने का काम होता है। इसी तरह से हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा रिलेटेड होता है टू द ब्लड। तो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड का सर्कुलेशन होना, वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है आपकी बुक में। जैसे मसल सेल्स, ओके, मसल सेल्स क्या करते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो जो हार्ट की मसल टिश्यू होती है वो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, जिससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम हार्ट साउंड कहते हैं। फिर हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड, और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले काम कौन कर रहे हैं, सबसे पहले काम हो रहा है मसल्स का, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिससे काम कौन कर पा रहे हैं, हार्ट की मसल्स सही से काम कर रहे हैं। हार्ट की मसल से हार्ट ब्लड को सही से पंप कर पा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर पहुँच पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं, और वो डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट टाइप के टिश्यू यानी कि सेल से बने हुए हैं। क्लियर दिस मच? ओके। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल आपकी सिलेबस में थोड़ा डिटेल है, सेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल इज एसेंशियली अ टाइनी बैग ऑफ लिविंग मैटर। सही बात है कि जो सेल होता है वो एक छोटा सा बैग है जिसके अंदर लिविंग मैटर प्रेजेंट है। जेली लाइक लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना बेटा, इसके अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मेक्स प्रोटोप्लाज्म। तो आप ऐसे याद रखना, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मेक्स प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के प्रोटोप्लाज्म बनता है। दिस मेम्ब्रेन रेगुलेट द फ्लो, दिस मेम्ब्रेन रेगुलेट द फ्लो ऑफ सब्सटेंस इन टू एंड आउट ऑफ द सेल। इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अंदर की तरफ जो फ्लूइड है दैट इज साइटोप्लाज्म, और बीच में फ्लूइड है दैट इज न्यूक्लियस, दोनों को मिला के बना प्रोटोप्लाज्म। ये सेल के अंदर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यानी कि एक सेल बैग की तरह है जिसके अंदर दो सामान प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और हम दोनों को मिला के कह देते हैं प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रक्चर आप हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आपने एक बार इसे गो थ्रू कर लिया होगा। सो देयर आर बेसिक थ्री पार्ट्स ऑफ द सेल, तीन पार्ट होते हैं वैसे सेल के। एक तो सेल मेम्ब्रेन जो बाहर की साइड होती है, देखिए ये रहा डायग्राम सेल मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड, देखिए आप डायग्राम में साइटोप्लाज्म, ये जो फ्लूइड भरा है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो नंबर वन ये रहा, नंबर टू ये रहा, ठीक है, और थ्री होता है न्यूक्लियस, वो ये रहा। मेन थ्री पार्ट्स होते हैं किसी भी सेल के अंदर। इसमें हम वन बाय वन सेल मेम्ब्रेन का पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, उसके बाद हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गनली पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, है ना, हाँ गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी हुई होती हैं, और बीच में लोकेट होता है न्यूक्लियस। ये जो सेल आपको दिखाया गया है दिस इज अ एनिमल सेल। हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी क्लास में वन बाय वन इन तीनों पार्ट्स को पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है। जनरल व्यू मैंने आपको बता दिया, द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द इनर फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल और इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज अ सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। और किसी भी सेल के तीन भाग होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। एंड इन अ थ्योरी क्लास
वील डिस्कस ऑल दीज थ्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल इंडिविजुअली. सो होमवर्क फॉर टुडेज क्लास इज ड्रॉ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल वेल लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करना. ओके, दिस इज योर होमवर्क और आप इतने को रीड करना. थैंक यू क्लास.